सत श्रीकाल दोस्तों, की हाल चाल है जी। तुसी देख रहे हो तुहाडा अपना जट बाबे टैलीविजन। एक बार फिर तो हाजिर हो चुके हैं इस समय दियां कुछ बड़ियां अते खास अपडेट्स लैके। दोस्तों कल कई घटनाक्रम होए हैं जिस दियां के कुछ जानकारियां तुहाडे तक पहुंचाउण लई आया। तो दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। दोस्तों वीडियो शुरू कर दें, पर शुरू करन तो पहला एक निक्की जी रिक्वेस्ट कर दें कि अगर तुसी ने सानू हाले तक साढ़े इंस्टाग्राम के उपर फॉलो नहीं करा तो दोस्तों कृपा करके उत्थे भी फॉलो कर लो, क्योंकि उत्थे भी तुहानू बहुत सारिया जानकारियां मिलदियां रहिंदियां हन। दोस्तों आखते हैं जी, बुरे वक्त की एक चीज़ बहुत चंगी होंदी है, यह अपने अते पराए की परख करवा जाती है। बिल्कुल दोस्तों, बुरे वक्त के विच तुहानू पता चल जाता है कि कौन तुहाडा साथ दिंदा है अते कौन तुहाडे तो झुग्गा चक जाता है। अते दोस्तों हुण इसे तरह पंजाब नाल हो रहा है, किसानां नाल हो रहा है। दोस्तों तुहानू दस दिए कि पंजाब के सिर तो खाण वाले कई गदार इस मौके के उपर पंजाब नू झुग्गा चक गए हैं, पंजाब तो बागी हो गए हैं अते पंजाबियों नू उन्होंने नकार दिता है। पर दोस्तों शायद वह लोग भुल गए हैं कि आने वाले समय के विच इह मुश्किलां तां हल हो ही जाणगियां। अगर यह अंदोलन शुरू होया है तो खत्म भी होगा, क्योंकि दोस्तों अगर किसी चीज़ की शुरुआत है तो उसका अंत निश्चित है। किसी ना किसी दिन अंदोलन का भी अंत होगा, किसान जितणगे अते किसान खुशी खुशी घरां नूं आउणगे। अते दोस्तों उस मौके इन्हां गदारां दा की होगा जिहड़े कि अज सरकार दे नाल खड़े हन अते पंजाब तो बागी होए होए हन। दोस्तों सब तो बड़ा झटका कल उस समय लगा जदों पंजाब दा शेर कहलाउण वाला जुवराज सिंह जदों पंजाब तो बागी होया अते किसानां दे खिलाफ ते सरकार दे पक्ष विच इक पोस्ट पाई, जिस तों बाद दोस्तों सारे ही पंजाबियां दे जो जुवराज सिंह नूं प्यार करदे सी उहनां दे रोंगटे खड़े हो गए कि आखिर युवराज सिंह इस तरह की पोस्ट किवें पा सकता है, क्योंकि दोस्तों बच्चा बच्चा युवराज सिंह का फैन सी। युवराज सिंह जदों पिछले समय दे विच खेलदा रहा है उसनू इंडियन क्रिकेट टीम चो बाहर कढ़िया गया सी, उदों भी पंजाबियों ने उस दे पिछे आवाज़ उठाई सी कि युवराज सिंह नू किस तरह बाहर बिठाया गया है, वह पंजाब का पुत्र है अते उसनू टीम दे विच लैणा चाहीदा है। खैर दोस्तों एहसान फरामोश बंदे का की होंदा है, उसने तो एक दिन रंग दिखाउणा ही होंदा है, जो कि कल युवराज सिंह ने दिखा दिता। दोस्तों युवराज सिंह ने जिस मौके पोस्ट पाई उस तो बाद युवराज सिंह नू ट्विटर के उपरों बहुत वधिया प्रसाद मिलन लगा पंजाबियों कोलों, क्योंकि दोस्तों उसनू ऐसे रिप्लाई लोगों वालों मिलन लगे जिस दे विच के साफ साफ पंजाबियों दे विच गुस्सा देखा जा रहा सी अते सारे ही पंजाबी उस नू बिकाऊ दस रहे सी। अते दोस्तों पंजाबी गायकां दे विचों सब तो पहली लानत जो युवराज सिंह नू पाई ओ सी जेजी बी। दोस्तों जेजी बी ने युवराज सिंह नू लानत पाउंदे होए लिखा कि तू तो साडा माण सी, जिंद जान सी, तू भी सानू बॉलीवुड वालियां वांगू डंग गया जट्टा, युवराज सिंह तेरे कोलों यह आस नहीं सी, दिल ही तोड़ता तैता। दोस्तों जेजीवी साहब नूं दस दिए कि इस बंदे ने पंजाबियों के दिल इस करके तोड़े ने, क्योंकि इस नूं आस होवेगी कि आने वाले इलैक्शनां दे विच इस नूं भी बीजेपी की टिकट मिल जाएगी। दोस्तों यह फोटो कल तो सोशल मीडिया के उपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अते दोस्तों सब तो उपर जो पोस्ट है वह रिहाना दी है, जिसने कि किसानों की सपोर्ट की, सरकार दे विच खलबली मचाई अते भगतां नूं विपता दे विच पा दिता। नाल ही बीजेपी के आई टी सैल भी रिहाना ने खलबली मचा के रख दिती। नाल ही दोस्तों नीचे जो फोटो है यह बॉलीवुड के नागली सिंह किंग जानी कि अक्षय कुमार की। दोस्तों इसने हाथों के चूड़ियां पाई हुई ने। वैसे दोस्तों इन्हां बंदियां दा हक भी यही है, यह हाथों च चूड़ियां पाउण जोगे ही ने, क्योंकि दोस्तों इन्हां वल्लों किसानां दे पक्ष विच पंजाबियां दे पक्ष विच एक भी पोस्ट नहीं पई अते पग बन्नण वेले यह बड़ियां बड़ियां गल्लां मारदे सी कि पग बन्न के सानू जनून आ जांदा है, जोश आ जांदा है अते असी हर मौके दे उपर पंजाबियों नाल खड़े हाँ, पंजाब नाल खड़े हाँ। इस करके दोस्तों यह फोटो कल तो बहुत ज्यादा वायरल होंदी रही, सोचा कि तुहाडे नाल शेयर की जाए। जिथे कि दोस्तों अजय देवगन अक्षय कुमार वर्गे चूड़ियां पाउण वाले लोग किसानों के खिलाफ बोलते रहे, उत्थे ही दूसरे पासे कुछ गड़स वाले लोग भी सामने आए। खासकर दोस्तों कुछ कुड़ियां सामने आईयां जिन्होंने कि सीधा सीधा किसानों के हक विच बोलिया, सरकार के खिलाफ बोलिया, सरकार नूं कहा कि तुसीं गलत कर रहे हो, किसानों के हक नहीं दे रहे। दोस्तों सब तो पहला शत्रुघ्न सिन्हा की कुड़ी सोनाक्षी सिन्हा ने भी किसानों के हक विच एक जोरदार पोस्ट पाई,
जो कि देखते ही देखते सोशल मीडिया के उपर वायरल होगी। दोस्तों इस JGB ने भी अपने अकाउंट के उपरों शेयर किया है। इस दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा ने लिखा है कि अंदोलन कर रहे किसानों हर तरीके दे नाल परेशान किया जा रहा है, पत्रकार भाईचारे नूं भी हरासमेंट किया जा रहा है। उत्थे ही दूसरे पासे इंटरनेट सेवावां बंद कर दित्तियां गईयां हन, जो कि शर्म की गल है। नाल ही दोस्तों अगे इन्हां ने लिखा कि किसानों लई भड़काउण वाली भाषा भगतों द्वारा वरती जा रही है, किसानों नूं बुरा भला कहा जा रहा है, जो कि गलत है। दोस्तों होर भी सोनाक्षी सिन्हा ने कई पोस्टां किसानों के पक्ष विच पाईयां हन। इस तो अलावा दोस्तों बॉलीवुड की एक्ट्रेस अते बिग बॉस जेतू गौर खान भी किसानों पिछे भगतों नाल भिड़की अते काफ़ी बहसबाजी चलती रही। गौर खान की ट्विटर के उपर भगतों के नाल अते गौर खान ने भगतों नूं हर गल का ठोकमा जवाब दिता अते किसानों की गड के सपोर्ट की। इस कुड़ी नूं भी सलाम है। दोस्तों बॉलीवुड दे विचों सोनू सूद जो कि अक्सर ही समाज भलाई दे काम करदे रहिंदे हन अते पंजाबियों नूं भी बहुत ज़्यादा प्यार करदे हन। दोस्तों सोनू सूद ने पहला तां किसानां नूं बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीता सी, पर दोस्तों थोड़े दिनों तो सोनू सूद कोई भी किसानां दे पक्ष विच पोस्ट नहीं पा रहे सी जदों दे हालात खराब हो गए सी। अते दोस्तों कल 4 फरवरी शाम नूं 7:35 दे उपर सोनू सूद ने एक पोस्ट पाई जिस दे विच इन्हां ने लिखा के गलत को सही कहोगे तो नींद कैसे आएगी। दोस्तों इन्हां दी पोस्ट देख के तो यही लग रहा है कि इन्हां ने अक्षय कुमार अजय देवगन करण जौहर सुनील शेट्टी के उपर जोरदार तरीके दे नाल प्रहार किया है, क्योंकि दोस्तों सोनू सूद पंजाब नूं बहुत प्यार करते हैं, पंजाबीयत नूं बहुत प्यार करते हैं। इस करके दोस्तों सोनू सूद की पोस्ट के यही मतलब निकलते हैं कि सोनू सूद ने किसानों नूं सपोर्ट की है और बॉलीवुड सितारे नूं ठोकमा जवाब दिता है जेडे कि किसानों के खिलाफ बोल रहे सी और सरकार पक्ष विच। अते दोस्तों हुण गल करांगे एक बहुत वड्डी खबर दी अते एक बहुत वड्डे खुलासे दी। दोस्तों जिस तरह के तुसी सारे ही जानते हो कि रिहाना ने जदों किसानां दी सपोर्ट दे विच एक पोस्ट पाई पूरी सरकार दे विच खलबली मच गई, पूरे बॉलीवुड दे विच खलबली मच गई। अते दोस्तों विदेश मंत्रालयां नूं सामने आउणा पिया एक आर्टिस्ट दा जवाब देण वास्ते। इह भी पहली वार होया सी कि उन्होंने रिहाना दे ट्वीट दे उपर रिएक्ट किया अते अपने वल्लों पूरी सफाई देण दी कोशिश करी। अते इस तों बाद दोस्तों एक होर चाल चलेगी, बॉलीवुड सितारियां तों सरकार दे पक्ष विच ट्वीट पवाए गए जिस दे नाल के दुनिया नूं इह दस के भरपाई हो सके कि किसान गलत हन अते सरकारां सही हन। अते दोस्तों बॉलीवुड सितारियां दीआं सारियां पोस्टां देख के यह लग रहा सी कि उन्हां नूं सारियां पोस्टां भेजियां गईयां होण अते उन्हां ने कॉपी करके पेस्ट कीतियां होण। अते दोस्तों सुन दे विच तां यह भी आया है कि सलमान खान नूं भी ट्वीट करन वास्ते कहा गया सी, पर दोस्तों सलमान खान ने एक चंगा फैसला लेंदे हुए अपना ईमान दिखाते हुए किसानों के खिलाफ पोस्ट नहीं पाई अते सलमान खान ने मना कर दिता। ऐसियां खबरां दोस्तों कल तो ही सोशल मीडिया के उपर वायरल हो रही हैं। वैसे भी दोस्तों सलमान खान ने यह काम करके बहुत चंगा किया कि किसानों के खिलाफ नहीं बोले, इस दे नाल उन्हां दी छवि खराब होने तो बच जाएगी। वैसे भी दोस्तों सलमान खान तो शुरू तो ही किसानों के पक्ष में पोस्टा पाते रहे हैं। कुछ महीने पहला भी सलमान खान ने किसानों के पक्ष में कुछ पोस्टा पाईया सी। दोस्तों बहुत सारे वीरां दे मैसेज आ रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाले की कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे, सिद्धू मूसेवाले का कोई नवा गीत कदों आ रहा है दसो। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਐਲਬਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੱਟ ਬਾਬੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਉਣਾ।